बारह वर्षीय किशोरी की मौत जिला अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित। शिवपुरी जिले के रनौत थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ठेंगुआ गांव में रविवार की सुबह अचानक से एक 12 वर्षीय किशोरी की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए रनौत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां गंभीर हालत के चलते डॉक्टर ने किशोरी को जिला अस्पताल शिवपुरी रेफर कर दिया। परिजन किशोरी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने किशोरी की नब्ज देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार माला पुत्री राम बाबू आदिवासी उम्र करीब 12 वर्ष निवासी ठेंगुआ थाना रनौत की जिला अस्पताल में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। प्रतिका के पिता राम बाबू ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था। सुबह उसके पिता ने उसे सूचना दी कि माला की तबीयत तो खराब हो गई है, जिसके बाद वह किशोरी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। यहां आपको बता दें कि मृतिका के परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है, जिस कारण से यह स्पष्ट नहीं हो सकेगा कि किशोरी की मौत बीमारी से हुई है या कोई अन्य कारण से। सिस्टम की उदासीनता के कारण ये राज भी किशोरी की मौत के साथ ही दफन हो गया। नाम है तुम्हारा? राम बाबू। कौन से गांव के हो? टकुआ के। कौन से थाने में आता है? कैसे खत्म हो गई आपकी बच्ची? पता नहीं, आपको नहीं तो वो ससुराल है। तुम कहाँ थे? ससुराल। ससुराल, पति पत्नी दोनों ससुराल गए थे? तुम्हें कब पता चला? जब पापा ने फोन लगाया। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने फोन लगाया। तो कहाँ? कोलारस अस्पताल ले गए थे? रनौत ले गए। तो रनौत में क्या बताया? शिवपुरी ले जाओ। फिर यहाँ खत्म हो गई। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कैसे खत्म हो गई? कुछ बताया आपको? आपको क्या लगता है कैसे खत्म हुई है? कुछ नहीं खाओ।